हम बना रहे हैं आम का अचार। ये घर के आम हैं, लगभग 10-12 किलो के आसपास हैं। तो इसका आज अचार बनाया जा रहा है। तो अब आपको दिखाते हैं क्या है प्रोसेस। पहले हम इसको काट रहे हैं। देखो मेरा काम है, आपको पता ही है ना। अब पहली बार तो इसको दो क्या आप, मैं तो उस टाइम आपको दिखा रहा था ऐसे, मैं समझ रहा हूँ। 10 किलो की बाल्टी में आधा भर लिया है काट के आम, तो बाकी इसमें भर रहे हैं। एक बच्चा यहाँ लिया हूँ। Karma's gonna get me, yeah, I know, but I'm not stopping, I can't go. My boyfriend's sleeping, he doesn't know. You twist your arms around me after each show, and if you said you want me more than just temporarily, I leave him less than happy. You see, I'm typically something people don't leave, but don't get the wrong idea. I'm not saying I wanna keep ya. It's just after this tour, I might want a little more, and it sucks that I'm not gonna see ya. But I won't say I want you to be my boyfriend, but okay. It was fun to pretend it one day. I hope we could do this again, cause oh babe, I think we could be good friends. Good friends. Good friends. Good friends, we could be. दो करने ना काम होगा, तेजी में होगा। मैं ये भली के तो मैंने कभी सीखा ही नहीं काम। डिट्टी बनती रही, डिट्टी काम की डिट्टी। आप खाली टाइम कर रहे थे खराब। Say I want you to be my boyfriend, but okay. It was fun to pretend it one day. I hope we could do this again, cause oh babe, I think we could be good friends. Good friends. Good friends. Good friends, we could be. In and out of drama, here we go. Wish that I could find a compromise. Yeah, I'm always trying to fight these feelings, but they show. अब तो ऐसे लगे थे थोड़ी दया आ रही है, तो धीरे धीरे कर देते हैं। भैया जल्दबाजी है, अभी ड्यूटी में जाना है, मैंने ऑन ड्यूटी हूँ मैं। अरे मैं ये फौजी और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे ड्यूटी में रहता है। जिस दिन मैं छुट्टी कर लूँगा उस दिन खुद को मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं देश के लिए कुछ गलत कर रहा हूँ। फौज देखो हम लोग क्या ना रेवेन्यू जनरेट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, टैक्स पे करते हैं। ये बंगा, ये बंगा ऐसे करता ना। ये ढंकरी होता है क्या? आपने आम के लिए रखा था क्या? ये आम के लिए रखा हूँ मैं। ना है आम पूरी जगह खाली करती हूँ मैं। पूरी बेर तो मैं भी था, मैं ही है यहाँ। एक साल तो कब काटे थे? 2-3 साल से आम नहीं बन रहा है। आजाद बड़ा आम है। जब हमारे पेड़ होंगे तब काटे होंगे। झड़िए ना ये राजा, ये तो गैस सिलेंडर रखने से मन से मैं बस जंग लग गया सिलेंडर। तो 10 किलो के आसपास लगभग हमने आम काट दिए। पता नहीं 10 किलो होंगे या कम होंगे, क्योंकि 10 किलो की बाल्टी भर चुकी है और ये इतने आम और बचे हैं और बाकी ये कचरा है। अब हम आम को धोएंगे, आपको दिखाते हैं। ये हम आम को धो रहे हैं। अब आपको पता है सही कर रहे हो अच्छा, इसमें जाल जाल के वो हो जाएगा ना, अच्छा खाने में मजा आएगा, एकदम गुठली नहीं आएगी मुंह में खाने में। एक एक गिर गया, बहुत पानी में धोना पड़ेगा आपको। मियाँ इसके अंदर एक दो और, इतना काला पानी निकल चुका है इसका, इतनी गंदगी। भैया आपने क्या कर दिया ये? पहली बार में इतनी गंदगी आई है, अब दूसरी बार और धो रहे हैं। अब जब हम बाजार का अचार लेते हैं वो पता नहीं कितनी बार धुलता है,
मैं बता दूं कोने वाला करना है मुझे पता है। अरे जो पकड़ो इधर जान के टेस्ट ले रहा हूं इसको Girls back and then they touched you, little did they know I'm who you cuddle up to after each show. We felt the last bloom since we met in Glasgow. Now I'm sneaking to your room down the hall on tiptoe. Let's go. और अभी तीसरी बार धुले जा रहे हैं, पहली बार इस बाल्टी में धोए थे, फिर बड़ी वाली बाल्टी में, और तीसरी बार इसमें। It's just after this tour, I might want a little more, and it sucks that I'm not gonna see you. But I won't say I want you to be my boyfriend, but okay, it was fun to pretend it one day. I hope we could do this again, cause oh babe, I think we could be good friends. Good friends, good friends, good friends. In and out of drama, here we go. Wish that I could find a compromise. Yeah, I'm always trying to fight these feelings, but they show. I don't wanna have to apologize, so let's just be good friends. Good friends, good friends, good friends. Your songs are in my head, cause I like the way you write. Thinking of it better, we just chill every night. It was kinda fun with the secrets and the lies, ignoring you in the lobby like I didn't spend the night. Your songs are in my head, guess I'm missing the fling difference. और अभी आमों को सुखाया जाएगा यहाँ पे। ऊंचे से डालो भैया, ऊंचे से डालो, उसके अच्छे वीडियो आएगा। Ignoring you in the lobby like I didn't spend the night. Your songs are in my head, guess I'm missing the fling. Different city, same bed, and me biting on your nose. When you saw the sun in red, so we never crossed the line. Yet you said it was somehow still satisfied. In and out of drama, here we go. Wish that I could find a compromise. Yeah, I'm always trying. और अब इसमें नमक डाला जाएगा, नमक के पानी में। तो यहाँ पे ऊपर से हमने छिड़क दिया नमक, जिसे सूख जाए अच्छी तरह से, जो इनका पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए, और आम भी थोड़े बहुत नमकीन हो जाए, मतलब नमकीन मतलब आम में हल्का सा नमक आ जाए खटा। घुमाते रहो उसको भैया, वैसे रोटेट करो। हेलो दोस्तों, हेलो, को डाल दिया हमने सुखाने, अब ये सूख जाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। 2000 years later. तो दोस्तों आम हमारे सूख गए हैं, तो इसमें हमने मसाला मिक्स कर दिया, ये सारी चीज़ें स्किप हो गई है क्योंकि मम्मी ने पहले ही सब कर दिया मेरे आने से पहले। तो इसमें आम का मसाला और इसमें उसके बाद सौंफ मिलाई गई है। और क्या डाला है? यहाँ पे इसमें दूसरी छोटी वाली कढ़ाई में इसमें डाल रखा है सरसों का तेल, और जो मसाला मिक्स किया था जिसमें था सौंफ और जो मसाला आता है अचार का मसाला, आपको पैकेट मिल जाएगा कोई भी कंपनी का, आप ले सकते हैं बाजार से। उसके बाद सौंफ और कलौंजी डाल के उसके बाद इसमें सरसों का तेल डाला है। और मिक्स करने के बाद जो बगल में आपको डब्बा दिख रहा है इसमें डाला जाएगा। नमक जब हम सुखाते हैं तब भी थोड़ा बहुत डालते हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। और जो सूखा मसाला जो आपको बताया था, और ये जो अचार का मसाला आता है जो नॉर्मली आपको मिल जाएगा, और उसमें कलौंजी हो गई और सौंफ हो गई, बस यही चीज़ें मिलाई है और बाकी नमक। और उस कढ़ाई में जा रहा है और वहाँ पे आप तेल डालेंगे।
Turn me up. Up some more. Up some more. Yeah. I just had to change my point of view. Everything old somehow becomes brand new. I am just intrigued with the current state of you. Life is going on. तो अभी हमारा सेट हो गया है, अब इसको धूप में रख देंगे पकाने के लिए। तो जैसे नरम हो जाएगा सॉफ्ट, फिर उसके बाद थोड़ा तेल डालेंगे अभी थोड़ा बहुत मिक्स करने के लिए, जो मसालों को इसमें चिपक जाए अच्छी तरह। तब तेल डाला है, अब इनको रखते हैं धूप में। और अब इसको पूरा बनने में तो आपको पता ही है, जैसा कि 5 से 7 दिन या 10 दिन धूप के ऊपर है कि कैसी धूप आती है, उसके बाद ये बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अचार बनाने की। पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नई वीडियो में फिर से करेंगे आपके साथ मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।